पल्लवा तीर्थ गोस्वामी ने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि शस्तांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुल्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि शास्त्रांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रील गुरु महाराज जी की विशेष अनुकंपा से जिस विषय वस्तु को हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसके अंतर्गत श्री सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी महाराज भक्ति मार्ग के साधकों के हित के लिए जिन जिन कार्यों के विषय में यहाँ पर इंगित कर रहे हैं उन्हें हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् मतलब भगवान के प्रीति विधान के अनुरूप कर्म उसको ग्रहण करने के विषय में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने कल सुना गुरु पदाश्रय के बारे में। अभी आगे श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी महाराज इस बात को बतलाते कि गुरु कौन है। बोलते जो छह प्रकार के वेगों को जिन्होंने दमन किया है जिन्होंने जीत लिया है सिर्फ वही पर्याप्त नहीं होता। यहाँ पर बताया जा रहा है स्वाभाविक रूप से भगवान के चरणों में प्रेम होना जरूरी है। जिसको भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग उदित हो गया वेगों को दमन करना पर्याप्त नहीं होता क्योंकि सिर्फ वेगों को दमन करता है कि जरूरी नहीं है कि उससे जरूरी नहीं निश्चित रूप से केवल मात्र वेगों को दमन करने वाला व्यक्ति परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता है। उल्टा वेगों को ही दमन करने वाला व्यक्ति अगर दिशाहीन होता है उद्देश्यहीन होता है तो व्यक्ति का पतन भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे कि वही व्यक्ति जिसने वेगों को दमन किया और साथ ही जो सबसे मुख्य रूप से भगवान के श्री चरणों में अनुराग जिसका हुआ है वो वास्तविकता में गुरु होते हैं। इसीलिए जिसको भगवान में स्वाभाविक रति होता है स्वाभाविक जिसका अनुराग होता है उस व्यक्ति को ये सारे वेगों को दमन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता क्योंकि ये सारे वेग उसके अंदर होते ही नहीं हैं। जो वस्तु है ही नहीं उसको और क्या दमन करना। दमन तो तब करना पड़ता है जब है और वो होता कब है भगवत विमुक्ता वाली अवस्था में
इसलिए यहाँ पर एक ब्रह्मनिष्ठ जो आचार्य है उसका विशेष गुरुत्व दिया है, उसका विशेष महत्व दिया। क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंद्रिय जिनके वश में हो, जो समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव रखते हो, जो शांत निष्कपट और सत्यवादी हो, वही व्यक्ति इस गुरु होने के लिए योग्य होता है। ऐसा हमारा जब संन्यास हुआ था उस समय सन्यासी कौन हो सकता है, वो पूरा लिस्ट पढ़ रहे थे वहाँ पे। वो भी ऐसा ही है, जिसके अंदर अभिमान होता है, जिसके अंदर अहंकार होता है, इस तरह का कोई भी व्यक्ति, वासना होता है, ऐसे व्यक्ति कोपिन धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। कोपिन को धारण करनी है तो ये सब उसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक ही भाव होना चाहिए कि मैं अब दास हूँ और मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, उनका भाव का आश्रय, उनका ही भाव की प्राप्ति मेरा एकमात्र उद्देश्य है, और कुछ है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी बताया जा रहा है, अगर नित्यानंद प्रभु का जो कृपा का विस्तार का सेवा जिन्होंने करनी है, तो उनके अंदर ये क्वालिफिकेशन, ये गुण होना जरूरी है, इंद्रिय उनके वश में होना चाहिए। मतलब है कि ये छह प्रकार के वेग उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और निष्कपट होना चाहिए, कपट रख के नहीं होता। कपट व्यक्ति तो वैसे भी अपने परमार्थ में कुछ भी नहीं कर सकता। जिसका अंदर एक बाहर एक होता है, एक व्यवहार कुशलता की बात अलग होता है, व्यवहार जो है करना पड़ता है समय स्थिति के अनुसार, लेकिन कपटता रखना वो गलत हो जाएगा। बोलते हैं ऐसे जो शांत स्वभाव वाले, सबके प्रति दया का भाव रखने वाले, दूसरों के प्रति की दया का भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दया नहीं है तो वास्तविकता में कोई मतलब नहीं है। ऐसा उसका इसीलिए वो करते क्या, इतना दया का भाव है, जो कोई भी अपने प्रति प्रीति का भाव लेकर के आता है, इनके दया गुण के कारण वो प्रीति को वो कृष्णोन्मुख कर देते हैं। क्योंकि भगवान के प्रति अनुराग युक्त है, मतलब उनके अंदर किसी भी प्रकार का अन्याभिलाष नहीं होता, द्वितीय अभिनिवेश नहीं होता, ये सब चीज़ें उनमें नहीं होते। उनका एक उद्देश्य रहता है, उनका एक ही लक्ष्य होता है, उनका एक ही प्रयोजन होता है, वो है भगवत सेवा, भगवत प्राप्ति, भगवान का कृपा। और क्या बोलते हैं, इन्हीं को वास्तविकता में स्वरूप गुण कहा गया है, बाकी जितने भी हैं वो सब तटस्थ है। जैसे भगवान कपिल माता देवहूति को भी साधु के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों के बारे में बताते हैं, जहाँ पर तितिक्षस्व कारणिक सूर्य सर्वदेहिनाम वाली बात आता है, वो बात को तटस्थ लक्षण में गणना किया है। वो ना होने पे भी चलता है, जरूरी नहीं है कि जो साधु है वो तितिक्षस्व होना चाहिए, कारणिक होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक आध गुण अगर नहीं भी दिखता है, वैसे होता है, लेकिन कई बार उनके स्वभाव और रूपधर्म के अनुसार ये गुण प्रच्छन्न हो जाते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं, अव्यक्त भी हो सकते हैं, इसलिए वो तटस्थ लक्षण है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो स्वरूप लक्षण है साधु का, वो उसके अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो क्या है, मई अनन्य भावे न भक्तिम कुर्वंती ये दृढ़ाम, जो दृढ़ा भाव से अनन्य भक्ति जो मेरा करता है, वो सबसे वही प्राथमिकता है,
वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो उसका होने पर बाकी चीज़ ना होने पे भी कोई हानि नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से अगर ये चीज़ है और अगर अन्य जो गुण हैं वो अगर प्रकाशित भी नहीं होते तो कोई भी आपत्ति नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए बतलाया, क्या बोलते हैं कि वह विप्र किवन्यासी शूद्र के नुनाए, वो बोलते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय या फिर कोई भी वर्ण का विचार नहीं, कोई आश्रम का विचार नहीं है वहाँ पर। जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कोई भी हो वो शूद्र कुल में ही उद्भूत क्यों ना हो। भगवान भी बता रहे हैं, नामे भक्त चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपच प्रिय, मेरा अगर भक्त नहीं है, चारों वेदों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अगर मेरा भक्त नहीं है वो मुझे प्रिय नहीं है। मद्भक्त अगर मेरा भक्त है, अगर वो स्वपच कुल में भी क्यों ना उत्पन्न हुआ हो वो मेरा प्रिय है। भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, उनके प्रिय कौन हैं? उनको कोई ब्राह्मण प्रिय है या क्षत्रिय प्रिय है, वैश्य प्रिय है वाला विचार नहीं है, ऐसी कोई विचार नहीं है। और भगवान का तो ये भी विचार नहीं है कि ये मुख है ये चरण है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान एक वस्तु है, एक तत्व है, उनके अंदर कोई विभाजन नहीं होता। स्वयं भगवान अद्वैत ज्ञान तत्व है, जो कि ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में एक ही वस्तु प्रकट हो रहा है। उनका नाम विग्रह स्वरूप एक रूप में प्रकट हो रहा है, तो शरीर के टुकड़े क्यों होते हैं? इसीलिए चाहे कोई भी हो, एक इशारा दिया गया है, एक बतलाया गया है, एक संकेत दिया गया, बस। वास्तविकता में भगवान को प्रिय कौन है? मद्भक्त। इसीलिए भगवान ने बोल दिया मद्भक्त पूजाभ्यधिकम। वास्तविकता में तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए अगर तुम इच्छा करते हो तो मेरे प्रसन्नता जो है मेरे सेवा में नहीं है, मेरे भक्त की सेवा में है, मेरे भक्त की सेवा में। पूजा मतलब ये नहीं कि आदमी को बिठा के आरतियां कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। सेवा का जो भाव, सेवा वृत्ति ही पूजा है, उनके इच्छा के अनुरूप चलना ही पूजा है। माला का जो पूजा क्या होता है, जो माला गुरुजी प्रतिष्ठित करके देते हैं उस माला का पूजा क्या होता है? हरिनाम करना ही उसका पूजा है। ऐसा ही वस्तु के हिसाब से कि जब हम लोग सेवोन्मुख होंगे वही उनका पूजा है। ये संकेत दिए, इशारा दी है। इसका मतलब ये नहीं कि मुख श्रेष्ठ है इसीलिए वो श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। भगवान ने विशेष करके जो ये विभाग की है ये गुणों के आधार पे किया। अगर शूद्र निम्न है ऐसा नहीं है कि भगवान ने जो है उनको तिरस्कार किया है या स्वयं मतलब कह रहे हैं कि सब मेरा ही हिस्सा है, सब कुछ जो है वो मेरा हिस्सा, मेरा ही अंग की तरह है। भगवान का जो है सर्वस्व जो है उनके अंग की तरह है सब कुछ। हम चाहे जो भी अर्थ निकालें जैसे भी निकालें, कहने का मतलब वो है कि वो सब भगवान का ही एक विस्तार की तरह है वर्णाश्रम का। लेकिन विशेषता वर्णाश्रम का है ही नहीं है। कोई ब्राह्मण होने से वो मुख स्वरूप है ऐसा नहीं। अगर वो असत चरित्र वाला जो ब्राह्मण हुआ है तो वो ब्राह्मण होने के लाभ क्या है? अगर क्षत्रिय क्षत्रिय की तरह नहीं है कि वो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है, वो क्षत्र धर्म का पालन नहीं कर सकता है, वैश्य वैश्य की तरह नहीं है, शूद्र शूद्र की तरह नहीं है, तो उनका कोई महत्व है ही नहीं। वो शूद्र
वो ब्राह्मण जो है अगर शूद्र जैसा आचरण करता है, और अगर शूद्र ब्राह्मण जैसा आचरण करता है, तो फिर इसलिए वहाँ पर ऐसी विचार, कहने का मतलब है कि ये जितने भी हैं ये लोग जैसे एक 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 अंग की तरह है मेरा, लेकिन मुख्य जो विभाग जो हुआ है वो गुण और कर्म के आधार पे ही हुआ है, वो गुण और कर्म के आधार पे ही हुआ है। भगवान बोलते हैं चातुर्वर्णा मया सृष्ट, मेरे द्वारा जो ये सृष्ट जो है, सृष्टि किया गया, ये जो चार जो वर्ण है ये मेरे द्वारा सृष्टि किया गया है। वो किसके आधार पे किया? वो गुण और कर्मों के आधार पे किया। ऐसा हमारा होता है, हमारा सर ठीक है और पांव जो है एक निकृष्ट की तरह, कि वहाँ हाथ लगाने से फिर धो हाथ धो, हमारा उरु हमारा जो जांघा हमारा सब कुछ ये अलग होता है। भगवान का तो ऐसा है ही नहीं, सब एक जैसा है। ऐसा एक जैसे मिश्री की ढली जैसे होता है, उसको ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उसको खा रहे हो, कहीं कम स्वाद है कहीं अधिक स्वाद वाला विचार वहाँ है ही नहीं है, वो सब एक जैसा है। भगवान ऐसे ही हैं, भगवान मधुर से मधुर है। तो इसीलिए जो उनका मुखारविंद का महत्व है, वो चरणारविंद का भी ऐसे ही महत्व है। अगर हम विचार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, तो उस समय में जितने भी व्रजवासी वहाँ उपस्थित हुए, जिन्होंने गोविंद के श्रीअंग के जिस चीज को दर्शन किया, वो वहीं पर रह गए हैं। अगर श्रेष्ठता ब्राह्मण में है, हाँ उसी प्रकार से अगर श्रेष्ठता भगवान के मुखारविंद में है, तो लोग चरण तो देख करके, चरणों के वो नख को देखकर वो लोग 7 दिन 7 रात उसी पे समाधिस्थ नहीं होते, क्योंकि उत्कृष्ट वस्तु है, इसीलिए वो ऊपर देखने का कोशिश करता वो। लेकिन चरणों को देख करके, यहाँ तक बताया कि चरणों का नहीं, चरणों के अंदर भी जिस उंगली के ऊपर या जिस नख के ऊपर उनका ध्यान चला गया, उसी में वो लोग समाधिस्थ हो गए 7 दिन 7 रात। ऐसा नहीं कि वो ऐसे से देख रहे हैं, ऐसे से वो वाली बात ही नहीं, सब स्तब्ध हो चुके हैं जैसे प्रकृति एक ही बार में, ऐसे समाधिस्थ हो गए कि बाहर संवर्तक नाम के जो बादलों के द्वारा मूसलाधार बारिश हुआ हाथी के सूंड जैसा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। यद्यपि वो लोग अंदर हैं, लेकिन बाहर तूफान का पता चलता है तो डर बना रहता है उनको, तो बाह्य ज्ञान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंतर्मुख हो गए, समाधिस्थ हो गए। और वो समाधि भी ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान, जिस समय वो लोग उस स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान का जिस अंग को साथ में उनका आंख लग गया है, उसी के ऊपर स्थित हो गए। तो इसीलिए वहां पर जो है रूप माधुरी जो है उनका सर्वांग के ऊपर लागू होता है। उनका रूप माधुरी मुखारविंद के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, उनका तो सर्वांग के ऊपर रूप माधुरी है। उनके जितना मुखारविंद सुंदर है, उनका उतना ही करकमल सुंदर है, उनका उतना ही चरण सुंदर है, उनका सब कुछ उतना ही है। इसीलिए बोला ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वेणु मधुरम रूपम मधुरम, सब कुछ मधुर है। मधुराधिपति, वो मधुरता के जो अधिपति है, उनका सर्वस्व मधुर है, ऐसा होता। लेकिन एक इशारा दी है, एक संकेत दिया है कि जैसे वर्ण जो है वो मेरे अंग की तरह है, ऐसा। तो इसलिए आप और बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सन्यासी भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है,
या शूद्र ही क्यों ना हो, शूद्र भी हो सकता है, शूद्र मतलब वो शूद्र कुल में उत्पन्न भी हो सकता है, क्योंकि भक्त तो शूद्र होता ही नहीं है। शूद्र कौन होता है? जो पैदा हुआ जो जीव होता है, मातृ योनि से जो निकला हुआ जीव होता है, वो सब एक तरह से शूद्र ही होते हैं। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सब शूद्र हैं। कोई अभिमान करने का मतलब ही नहीं बनता कि मैं कुछ हूँ। संस्कार द्विज उच्यते, संस्कार से उनको द्विज बनाया जाता है। इसीलिए ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए जो है संस्कार होते हैं, उपनयन का जनेऊ संस्कार होते हैं, तब उसको द्विज बनाया जाता है, मतलब उसका दोबारा जन्म हुआ है, अब उसको संस्कार किया। लेकिन वो संस्कार जो है ऐसा हो जाता है, लेकिन गुण और कर्म के आधार पे संस्कार होते हैं, गुण और कर्म के आधार पे होते हैं संस्कार। उपनिषद में आता है एक सत्यकाम बोल के एक बच्चा रहता था, वो ब्रह्मचारी बनना चाहता था। वो गुरु के पास पहुंचा, वो एक वेश्या का पुत्र था, वो गुरु के पास पहुंचा। पहले जो है जैसे परिचय पूछा करते थे, तो उनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है, गोत्र क्या है। अब उसको पता ही नहीं बेचारे को। वो माँ के पास में आया, आके पूछता है कि मैं कौन सा गोत्र में पैदा हुआ हूँ, क्यों गोत्र से पता चलता है कि इसका वर्ण क्या है, किस वर्ण में पैदा हुआ। पहले गोत्र के आधार पे जो है पता करते थे कौन से वर्ण का है। जब उन्होंने माता से पूछा, माँ ने कह दिया कि बेटा मुझे पता नहीं है तुम किसके वीर से तुम्हारा जन्म हुआ है। ये सीधा जाके गुरु जी को यही बात बता दिया वहां पर, और उनके गुरु जी ने उसी समय उसको शिष्य स्वीकार कर लिया। क्यों? वो बोलते हैं तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम ब्राह्मण पुत्र हैं। सत्य के ऊपर चलते हैं, अगर सत्य के ऊपर नहीं चल सकते तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। उधर पैदा होने से थोड़ा हो जाता है, वो तो सत्य धर्म ये सब चीजों का वहां पर होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसीलिए हमारे आचार्य गण भी उसी को गुरुत्व दिया। चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जो कि ब्राह्मण कुल में आए ही नहीं है। क्यों? लेकिन गुरुत्व किस चीज का? यही कृष्ण तत्ववेत्ता, वो कृष्ण का तत्ववेत्ता है, कृष्ण तत्व को समझने वाला, कृष्ण को जैसे कृष्ण हैं उनको ऐसे समझने वाले जो व्यक्तित्व है, वही व्यक्ति कृष्ण के बारे में बोलने या कृष्ण को प्रदान करने के लिए उपयुक्त होता है। वो चाहे शूद्र कुल में भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसा, क्योंकि वो धर्म नहीं छोड़ता है, वो सत्य नहीं छोड़ता, उसका शरणागति भगवान के चरणों में होता है। अब प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुआ, इसीलिए हम उनको असुर संबोधन नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज को असुर संबोधन करने वाला व्यक्ति नरक में ही जाएगा वो तो। क्यों? ये बात सत्य नहीं है कि वो असुर कुल में उत्पन्न हुए थे। सत्य है, होते हुए भी असुर नहीं है, महाभागवत है, परम भागवत भक्त है, जो कि ये वर्ण से ऊपर की स्थिति में है, आश्रम के भी ऊपर के स्थिति में है।
वो किसी वर्ण और किसी आश्रम के अधीन अवस्था में है ही नहीं, इससे पूरी तरह से ऊपर की स्थिति में है, महाभागवत अवस्था में है, ये उनकी विशेषता है। लेकिन आविर्भूत कहाँ हुए, वो चिरकाल के लिए ये बात रहेगा ही इतिहास में कि वो असुर कुल में उत्पन्न हुए थे। बलि महाराज भी ऐसे ही, वृत्रासुर तो स्वयं असुरी के रूप में आविर्भूत हुआ था, लेकिन वृत्रासुर असुर नहीं है, ये बात है। उसमें उत्पन्न होने से नहीं होता। इधर भी बहुत सारे लोग आजकल ऐसा हो गया है कि एक परंपरा बना दिया इस चीज को, इसीलिए समाज के अंदर विकृतियां आ रहा है। भक्ति के आधार पे, समर्पण के आधार पे, अनुभूति के आधार पे निर्णय होना चाहिए उत्तराधिकारियों का, वो ना करके जहाँ पर खानदान के आधार पे किया जाता है, परिवारवाद के आधार पे किया जाता है, वो सब फिर अनर्थ को ही, अनर्थ की तरफ ही लेकर के जाते हैं। कई लोग जैसे होते हैं आजकल, ये भागवत वक्ता वगैरह जो होते हैं, ये लोग सब एक हेरिडिटरी तरीका से उसको लेके चल रहे होते हैं, विच इज़ नॉट फेयर, वो ठीक नहीं है। कि उस परिवार में पैदा हुआ तो वो अधिकारी होगा, ऐसा नहीं है। अधिकारी कौन होगा? अधिकारी वास्तविकता में एक समर्पित शिष्य ही होगा, एक शरणागत शिष्य ही होगा, जो कि गुरु कृपा से इन सारी अवस्थाओं से बाहर निकल के आया, एक बात है। मैं एक भक्त का पुत्र हूँ, वो विचार भी एक हद तक आने के बाद ठीक नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे भी पुत्र मतलब शारीरिक संबंध का विचार को लेके चल रहे हो, देहगत विचार को लेके चल रहे हो। मैं भक्त का भक्त हूँ, ये विचार सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट विचार होता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज को श्रील प्रभुपाद ने मंत्र प्राप्त करने के बाद हमेशा प्रभु बोल के ही संबोधन किया था। वो अपने पिताजी को प्रभु बोल के संबोधन कर रहे हैं, ऐसे गुरुवर्गों से श्रवण किया, क्योंकि दैहिक संबंध का विचार को जब तक लेकर के चलते हैं फिर वहां परमार्थ कहाँ है? वहां परमार्थ कहाँ है? क्योंकि शरीर का रिश्ता है वो तो स्थूल है। तो इसीलिए ये जो परंपराएं जो होते हैं वो आत्मानुभूति के आधार पे होना चाहिए, कृष्णानुभूति के आधार पे होना चाहिए। यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, जो कृष्ण तत्ववेत्ता मतलब है कि व्यक्ति सबसे पहले अपने स्वरूप को अनुभव कर लिया होता है, उसका दैहिक विचार, दैहिक संबंध जितने भी है वो सब कोई भी मायना नहीं रखते हैं। हाँ, होता जरूर है, एक सिर्फ एक संबोधन के लिए, एक भावना के लिए, लेकिन उसमें प्रतिष्ठित होकर के कार्य करना वास्तविकता में वो ठीक नहीं होता। अगर पिता हमारा भक्त हैं, अगर हम बोलते हैं हमारे पिताजी भक्त हैं, तो उसमें दोष नहीं होता, और अगर उनका आदर करते हैं दोष नहीं होता। लेकिन जब बात अधिकार का आता है तो अधिकार हमेशा समर्पित और शरणागत शिष्य का ही होता है। अगर पुत्र शिष्य बन के पिता के पास अध्ययन कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, तो वो निश्चित रूप से उसके अधिकारी है। जैसे व्यास जी महाराज के पास आके सुखदेव गोस्वामी ने भागवत जी का शिक्षा प्राप्त किया, सुखदेव गोस्वामी पिता के पास जाके नहीं सीखा, जबकि उनका पिता है व्यासदेव,
लेकिन जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो शिष्य बन के सीखा है। इसीलिए महान हुए हैं। तो जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कृष्ण तत्व वेत्ता है, वही व्यक्ति गुरु होने का अधिकारी होता है। कृष्ण को समझना पड़ता है, कृष्ण क्या है, क्या वस्तु है। उसके बीच में जब कृष्ण को समझने के मार्ग में और कोई चीज़ नहीं आ सकता, कोई अपना वर्ण विचार नहीं आ सकता, आश्रम विचार नहीं आ सकता, ये सब नहीं आ सकता, वो सब एक लौकिक विचार पे है, मतलब गौण विचार पे है। उनका अपमान करना भी ठीक नहीं होता है, उनका अपमान करना भी ठीक नहीं होता, लेकिन गुरुत्व ही नहीं देना, जो मूल वस्तु है वो गलत हो जाएगा। कुछ एक सामाजिक मर्यादाएं हैं, उनको पालन करना पड़ता है, एक लौकिक मर्यादा है, नहीं तो समाज का जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन हमें तात्विक दृष्टि से भी देखना पड़ता है, ब्राह्मण का सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन अगर शूद्र ब्राह्मण से श्रेष्ठ आचरण करता है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसका अपमान नहीं किया जा सकता ये बोल के कि तुम शूद्र हो। और अगर वही शूद्र भक्त होता है, भगवान का प्रिय आचरण करता है, तो उसका तो सेवा भी होना चाहिए। उस समय ये विचार नहीं किया जा सकता कि आप शूद्र हैं, उधर ना। वास्तविकता में जो लोग वर्णाश्रम व्यवस्था का अपमान करते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, वही लोग मलेच्छ और यवन के अंतर्गत आ जाते हैं। देखा जाए तो वो हम अपने आप को, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने आप को उनसे अलग पहचान बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम अगर भगवान के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं, समर्पण नहीं, श्रद्धा नहीं, एकनिष्ठा नहीं, कुछ नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, तो तुम भी जो है वो मलेच्छ से और वो यवन से कम है ही नहीं, शौच विचार नहीं है। हम लोग पश्चिमी संस्कृति को जो लोग लेकर के चल रहे होते हैं इस संसार के अंदर, वो लोग शौच विचार नहीं है, दया गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है, चरित्र नहीं है। फिर उसके बाद अगर वो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं तो वो ठीक नहीं है। सनातन धर्मी मतलब है कि आत्मज्ञान की ओर चलने वाला व्यक्ति, जिसके विशाल बुद्धि है, जिसका हृदय बहुत बड़ा है। सनातन धर्म अनंत ब्रह्मांडों को आश्रय देने वाला स्थान है, जहाँ पर अनंत ब्रह्मांड को आश्रय मिल सकता है। इसलिए सनातन धर्म के अवलंबन करने वाला जो व्यक्ति, वो भी वो होता है जो कि सबको अपने हृदय में स्थान दे सकता है। संकुचित हृदय वाला व्यक्ति, शुष्क बुद्धि वाला व्यक्ति, इस तरह के जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब सनातन धर्मी नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि वो बाहर की दृष्टि से कौन सी अवस्था में है, उसका कोई गुरुत्व नहीं है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो ये समझ लिया कि कृष्ण कौन है, कृष्ण को क्या प्रिय है, कृष्ण सेवा कैसे होगा, वही व्यक्ति वास्तविकता में गुरु होने के लायक है। कृष्ण को समझना मतलब है ये समझना कृष्ण के प्रीति किस चीज में। इसीलिए वो केवल भगवान का भक्त होता है ऐसा नहीं, वो भक्त का भी भक्त होता है, वो भक्त का भी भक्त होता है। इसीलिए हम देखेंगे गुरु महाराज जी को
गुरु जी का हमेशा हाथ जोड़ा हुआ मुद्रा ही देखने को मिलता है। गुरु जी को हमेशा हाथ जोड़ा हुआ मुद्रा ही मिलता है। गुरु जी को, गुरु जी बैठे हैं, चल रहे हैं, चल भी रहे तो हाथ ऐसा करके चलते हैं। हमेशा से गुरु जी हाथ जोड़ के ही रहते हैं। मतलब कोई कोई टाइम होता था जब उनके हाथ अलग होते थे, नहीं तो सब समय हाथ जुड़े हुए ही रहते हैं। भगवान में तो भक्तिमान होते ही हैं और उल्टा भक्त में भी भक्तिमान होते हैं, यही विशेषता है, यही विशेषता है। क्यों? क्योंकि भगवान को देखा, भगवान को अनुभव किया। और जितने भी जीव को देखते हैं उन सबके अंदर अपने जो इष्ट देव हैं उनका अंश को देख पा रहे हैं, इसी कारण से वो सबका सम्मान करते हैं, इसी कारण से सबसे प्रेम करते हैं। वहां पर फिर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। पंडित कौन है, बद्ध क्या है, मुक्ति क्या है, इसका सही जानकारी रखने वाला बद्ध मोक्षविद वही पंडित है। और वो व्यक्ति का जो दर्शन वो सम हो जाता है, वो सम होता है वहां पर। ये उनका विशेषता है। और कौन होता है पंडित, जिसने भगवान को अनुभव किया और भगवान का ही अंश स्वरूप जीव को देखा कि मैं भी वही भगवान का चित्कण जीव हूं और जितने भी हैं वो भी सब वही है। इसीलिए वो जो भी प्राणी को देखता है उसके अंदर अपने इष्ट को ही देखता है, और जिसके साथ भी व्यवहार करता है, सेवा करता है, कुछ भी करता है, अपने प्रभु को देखते हुए उनकी प्रसन्नता के हिसाब से ही करता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिवार के अंदर क्यों ना जन्म ग्रहण किया हो, वही व्यक्ति गुरु होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर सभी के प्रति प्रेम भाव, सेवा भाव, दया भाव सब कुछ रहता है। वो देखता है जो भजन कर रहे हैं उनको भी, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी देखता है। जो भजन नहीं करते उनको देख करके उनका दिल, उनका जो हृदय द्रवीभूत हो जाता है कि हाँ ये तो भगवान के अंश है। ये लोग दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त किया, प्राप्त करके भी अपने जीवन को नष्ट करता है। इस वो वाला जो कष्ट उनके हृदय को व्यथित करता है। फिर वो लोग भगवान के चरणों में उन जीवों के लिए आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, और उन जीवों के ऊपर भगवान का कृपा भी होता है। कृष्ण दयालु हो जाते हैं जब ऐसे महान भक्त किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना क्यों करते हैं? संबंध के कारण करते हैं। हम किसी की परवाह कब करते हैं? जब संबंध होता है तभी करते हैं। अब संबंध किस आधार पे? अब रामानुजाचार्य जी का संबंध जो है वो धनुर्दास के साथ में किस आधार पे है? वो उनका रिश्तेदार तो नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज का संबंध जो है वो गंगा जी के तट पे बैठ करके व्याकरण को उच्चारण करता हुआ ब्राह्मण के साथ किस आधार पे है? जगाई मदाई के उस साथ में नित्यानंद प्रभु का संबंध किस आधार पे है? और आज की समय का देख ले तो हम लोगों का संबंध गुरु जी के साथ किस आधार पे है? ये तो उनकी दया है कि उन्होंने हमें स्वीकार की है। ये विशेषता है। ये जितने भी आचार्य गण है ये सब उनका दया है। उसका आधार क्या है? उसका आधार यही है कि वो लोग कृष्ण तत्व वेत्ता है। ये बात इसीलिए बताया कि कृष्ण तत्व वेत्ता होगा तो ही वो गुरु होगा। उसके अंदर वो गुरुत्व आता है, वो गरिमा आता है, और वही व्यक्ति हमें कृष्ण दे सकता है। क्योंकि वो कृष्ण को जान चुका है, कृष्ण को अपना वश में कर चुका है।
इसीलिए कृष्ण उसके हो चुके हैं। इसलिए वो अगर किसी के प्रति दयालु हो जाता है तो वो कृष्ण उसको प्रदान कर देते हैं। कैसे प्रदान करते? नाम के माध्यम से प्रदान करते। वो नाम श्री कृष्ण का वीर के साथ में, मतलब बल के साथ में युक्त होके उन भक्त के मुखारविंद से निकलता है, भक्त के मुखारविंद से निकलता है। इसीलिए जब वही भक्त के मुख से निकल के आता है वो और भी मधुर हो जाता है। जैसे सिद्धांत रूपी अथाह समुद्र है भगवान स्वयं, और उसी में से निकला हुआ जल की तरह इकट्ठे होकर के बादल बन के स्थित हैं। चैतन्य चरितामृत में आता है राय रामानंद जी के लिए कि वो बादल बन करके खड़े हैं। अब वही बादल का पानी समुद्र के ऊपर गिरता है, वही उसके अंदर प्रवेश करके जब सीप में और जगह पे जाके गिरता है, और वो मोती और अत्यंत मनोहर जो रत्न हैं वो वहाँ पर प्रकट होते हैं। वो जल समुद्र का ही जल है, लेकिन जब वो निकल के बादल बन के वहाँ से फिर नीचे आता है उसका रूप और भी सुंदर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान में भक्ति है, भगवान में प्रेम है, सब है, लेकिन भगवान की आराधना करके जो भक्त भगवान के अंदर से उस प्रेम को आकर्षित करता है, और आकर्षित करके प्रेम की उस उन्माद अवस्था में जहां पर उसने अपने स्वयं की सुधबुद्ध को खो लिया, जहां पर उसने अपने स्वयं की पहचान को खो लिया, वो अब है ही नहीं। उस अवस्था में वो जब उस उन्माद अवस्था में जब वो नाम का उच्चारण करता है वो भगवान को भी विह्वल कर देता है, विभोर कर देता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसीलिए बतला रहे हैं, सिद्ध देह दिया वृंदावन माझे सेवा अमृत कर दान। वृंदावन में मतलब वो स्थान में जहाँ पर आप नित्य वर्तमान रहते हैं, क्योंकि वृंदावन को छोड़कर गोविंद तो एक पग भी अपने चरण बाहर नहीं रखते। इसलिए आप जहाँ विराजमान है वहाँ पर वहाँ के अनुरूप देह आप मुझे प्रदान करें। मतलब ये जो प्राकृत पहचान वाला ये जो देह है, स्थूल सूक्ष्म शरीर वाला ये जो देह है जो कि इस जगत के साथ आइडेंटिफाई करता है, उससे मुझे बाहर निकाल कर अपनी सेवा का दान कीजिए। और सेवा कर रहा हूँ तो फिर आप क्या करेंगे, अपना प्रेम मुझे पान करा दीजिए, प्रार्थना है ऐसा। भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे आप अपना प्रेम को पिला दीजिए, पिया या प्रेम मत्त करि मोरे, इतना पिला दीजिए कि मैं तो उसमें उन्मत्त हो जाऊं। मतलब बाह्य ज्ञान कुछ है ही नहीं है। सुन लीजिए गुणगान, तब आप जो है आपका ही गुणगान मेरे मुख से श्रवण कीजिएगा। ऐसे प्रेम की उन्माद अवस्था में ही रोहिणी मैया ने जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र की गोकुल की दिव्य लीलाओं का कीर्तन करना शुरू किया था, स्वयं उन लीलाओं को करते हुए जो प्रेम का विकार उनमें उत्पन्न नहीं हो पाया वो रोहिणी के मुखारविंद से सुनने के बाद उत्पन्न हो गया और उनका विगलित तनु हो गया। अरे लीला तो आपने कर चुके हैं पहले, लेकिन जब भक्त के मुख से निकल के आता है उसमें वो वीरी भी आता है। इसीलिए भक्त दयालु होकर या भक्त प्रेम के कारण किसी भी कारण से जब किसी के लिए आवेदन करता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, भगवान का कृपा उसमें हो जाता है, उस जीव के ऊपर हो जाता है जिसके लिए भक्त जो है
उदार हो जाते हैं। और भक्त की जो उदारता, भक्त की दयालुता किस आधार पे होता है? तत्व के आधार पे होता है कि कृष्ण पूर्ण तत्व है और जितने भी जीव हैं अनंत ब्रह्मांडों का, वो सब कृष्ण का दास हैं। एक दास भगवान की सेवा में जाना चाहता है तो उसको सेवा में प्रेरणा देने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसको सेवा में नियुक्त करते हैं, और जो जीव सेवा से विमुख है उसको सेवा में नियोजित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हर अवस्था के अंदर जीव के साथ में रहकर उसको भगवान तक ले जाने का जो कार्य, वही व्यक्तित्व करते हैं जो कि वास्तविकता में कृष्ण को अनुभव किया हुआ होता है। इसलिए बोलते हैं ऐसे जो व्यक्तित्व है उन्हीं को गुरु रूप में वर्ण करने के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वचः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।